हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। लास्ट सेशन में हमने नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या के आधार पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि यदि नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं कभी भी किसी भी संख्या में तो वहां हमें फाइव काउंट करना होता है। किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में पांच कैसे गिनना है वो डिवाइड करके आप करते जा रहे थे। तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं तो आज हम इनकी बात करते हैं कि इसमें यदि नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या कैसे निकालोगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। मैंने आपसे बोला कि आप ये बताइएगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आपने सिंपल सा इसको 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 20, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा होगा 4, तो 24 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है पिछले सेशन में, मैंने बताया था। अब यदि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल प्लस 300 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। ठीक है, तो अब देखो यहां मेरे लॉजिक को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि मैं आपसे सपोज ये बोलूं कि 10 प्लस 100 प्लस 1000, इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो आप मुझे ये बताओ जब मैं 1000 में 100 को ऐड करूंगा और 10 को ऐड करूंगा तो इसके लास्ट में एक ही जीरो आएगा या नहीं आएगा, कितने जीरो आ रहे होंगे, एक ही जीरो आएगा। मतलब जब हम ऐड करते हैं कुछ भी संख्याओं को और उसमें आपसे शून्य पूछा जाए तो वो डिपेंड करेगा कि सबसे कम जीरो किसमें है, वो क्या डिपेंड करेगा कि सबसे कम जीरो किसमें है। हमें सबको देखने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको ऐड करने की जरूरत है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। यदि मैं आपसे बोलूं कि 500 प्लस 20 प्लस 300 या 3000, इसमें लास्ट में जीरो कितने होंगे, तो लास्ट में जीरो जो आएंगे वो कन्फर्म है कि एक ही जीरो आ रहा होगा। इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन यदि हमसे पूछा गया कि इसमें आपको लास्ट में जीरो बताने कि आखिरी में इसमें कितने शून्य आएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपको बताने हैं, तो यहाँ जरूरत नहीं कि हम सबको कैलकुलेट करें, इन सबको निकालें, क्योंकि एडिशन जब आप करोगे इनको जब जोड़ोगे तो उसमें लास्ट में उतने ही जीरो आएंगे जो सबसे कम किसी में जीरो हैं। तो आपको दिख रहा है कि 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल को यदि हम ऐड करेंगे तो सबसे कम जीरो हैं वो किस में आएंगे, 100 फैक्टोरियल में। मतलब मुझे केवल इसके जीरो निकाल देने हैं, और 100 फैक्टोरियल की जीरो निकालने के लिए क्या पढ़ा था, 5 से डिवाइड करो कितने बार हो रहा होगा, 20 बार, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करो कितने बार होगा, मतलब टोटल 24 जीरो आ रहे होंगे। टोटल जीरो कितने आएंगे, 24 जीरो आएंगे लास्ट में यदि आपसे पूछा जा रहा है इन सभी के एडिशन में। तो अब यदि मान लो ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया होता, यदि ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन में होता तो देखो गुणनफल में यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हम समझते हैं। आप मुझे पहले ये बता दो, यदि मैं बोलूं 10 × 100 × 1000, यहां पे जीरो कितने आएंगे, तो देखो जब आप ऐड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, तब आप देखोगे कि सबसे कम जीरो आएगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि जब हम इनको गुणा करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर कितना है 2 है, ये 10 की पावर कितना है 3 है। यदि बेस इक्वल है, आधार बराबर है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पावर क्या होती है, ऐड होती है, पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहां पे भी यदि देखो तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, मतलब ये 10 की पावर 1, 2 और 3 जुड़ेगा तो 6 आएगा। मतलब यहां पे टोटल जो जीरो होंगे ना, टोटल जीरो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, टोटल जीरो कितने आ जाएंगे आपके, 6 आ जा रहे होंगे। तो जब मल्टीप्लीकेशन में होगा तो आप सभी जीरो को क्या करोगे, ऐड करोगे। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताओ 10 फैक्टोरियल × 20 फैक्टोरियल × 30 फैक्टोरियल, इसमें टोटल लास्ट में जीरो कितने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इन सभी में जीरो जितने आते हैं ना उनको निकाल के उसको आपस में ऐड कर लो। जैसे 10 के फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार, फिर आगे तो हो नहीं रहा। 20 को डिवाइड करोगे 5 से कितने बार डिवाइड होगा, 4 बार, आगे तो हो नहीं रहा। 30 को डिवाइड करोगे 5 से 6 बार, फिर 6 एक बार और डिवाइड होगा तो 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स। मतलब 10 फैक्टोरियल में लास्ट में 2 जीरो आएंगे, 20 फैक्टोरियल में लास्ट में 4 जीरो आएंगे और 30 फैक्टोरियल में लास्ट में 7 जीरो आएंगे। हमसे टोटल जीरो पूछ रहा है, इन सभी को वैल्यू को क्या करो,
प्लस कर लो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल यदि देखें तो लास्ट में कितने जीरो हो जाएंगे, 13 जीरो हो जाएंगे। टोटल कितने जीरो होंगे, 13 जीरो होंगे। ठीक है, मतलब यदि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 200 फैक्टोरियल, इसको गुणा करना है 300 फैक्टोरियल से, कितने जीरो आएंगे बोलो, इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो 100 फैक्टोरियल को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आपको दिख रहा है कि ये 20, फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 4, मतलब 100 के फैक्टोरियल में 24 जीरो आते हैं। और यदि आपने पिछला सेशन मेरा देखा है, आपको याद होगा कि 100 फैक्टोरियल में 25-1 मतलब 24 आए थे, 200 फैक्टोरियल में 50-1 तो 49 आए थे, 300 में 75-1 तो 74 आए थे। आप इसके लिए लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, पहला जो वीडियो था हमारा नंबर ऑफ जीरो पे, फर्स्ट जो वीडियो था उसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है, डिवाइड करके जरूरत नहीं है निकालना है, ये 25-1, ये 49, 50-1, ये 75-1। अब इन सभी वैल्यू को क्या कर लेना है, हमें ऐड करना है, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर रहे होंगे वो आंसर आ जाएगा। अब ऐड करना है ना, इनको आप एग्जैक्ट ऐड करो, मतलब आप मान लो ये 75 है, 25 है, तो 100 और 140 हो गया। अब 150 में से टोटल 3 कम कर दो तो 147 आ जाएगा, हमने 3 ही तो ऐड किया है ना एक्स्ट्रा। तो आप इसको जब एडिशन करना होता तो इसी तरीके से करो, इसको 75-25 देखो तो 100 बन गया, इसको 50 देखो 150। अब 150 में 3 माइनस कर दोगे तो 147 आ जा रहा होगा। ठीक है, तो एक तो पैटर्न क्वेश्चन का पूछने का ये होता है कि एडिशन में दे देता है या मल्टीप्लिकेशन में देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत एग्जाम में पूछा गया, मान लो 1 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 है, और इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है 50 की पावर 10, और आपसे इसमें पूछ रहा है कि इसमें जीरो कितने होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आपको ये बता मुझे कि यहां पे यदि जीरो निकालने हैं तो यहां सभी जगह पावर एक जैसी है, मतलब मैं यदि इसको चाहूं तो 1, 2, 3 मल्टीप्लाई में यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि सभी की पावर कितनी है, 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई यदि मैं करूंगा तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि सभी की पावर कितनी है, 10 है, क्योंकि सभी में जो है पावर 10 ही चल रही है। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि सभी की पावर क्या है, 10 है। तो ध्यान से यदि देखो तो ये जो वैल्यू है आपकी ना, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 50 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन। और मैंने बोला कि यदि लगातार संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, रेगुलर नंबर का जो प्रोडक्ट है वही तो फैक्टोरियल होता है ना, मतलब इसको मैं 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इसको मैं 50 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और उसकी पावर कितनी है, 10 है। अब 50 फैक्टोरियल में पहले जीरो निकाल दो कि 50 फैक्टोरियल में जीरो कितने आएंगे। तो 50 फैक्टोरियल में जीरो के लिए 50 को डिवाइड किससे करोगे, 5 से, 5 से डिवाइड करो कितना होगा, 10 होगा, फिर 10 को फिर डिवाइड करो कितना होगा, 2 होगा। मतलब यहां पर टोटल जो जीरो आ रहे हैं, यहां पर टोटल कितने जीरो आ रहे हैं, 12, यहां पे टोटल कितने जीरो आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, और उसकी पावर जो है पावर कितनी है, 10 है। यहां पे टोटल 12 जीरो आ रहे हैं, 12 जीरो आएंगे, पावर कितनी है, 10 है। तो पावर 10 यदि है तो आपके टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 120। देखिए, कभी भी यदि a की पावर m और उसकी घात n लिखा हो तो यहां आप पावर को मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, पावर को गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां हमें दिख रहा है कि ये 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर 12 आएगी, 5 कितने बार आएगा, 12 बार, मतलब 5 की पावर 12 होगा, इसके अंदर 5 की पावर 12 है और उसकी पावर कितना है, 10 है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 120, और 5 यदि 120 बार आया है तो आपके पास जीरो भी कितने होंगे, 120 होंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे, ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, आप स्टेट के कांस्टेबल के पेपर दो, सब इंस्पेक्टर के पेपर दो, आप एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एलडीसी का, कोई भी पेपर दे रहे होते हैं ना, ये सभी कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक आप जुड़े रहिएगा मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर। थैंक यू।